हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि पिछले क्लास में थर्मल एक्सपेंशन का तीन एक्सपेंशन हमने बताया था, वो क्या क्या था? तो थर्मल एक्सपेंशन में हमने थर्मल एक्सपेंशन में तीन तरह के थर्मल एक्सपेंशन में बताया था। एक बताया था लीनियर, जिसमें हमने बोला था कि फाइनल एन जो होगा डेल्टा टी के बराबर। फिर हमने बात की थी सुपरफिशियल, जिसमें हमने बताया था कि जो एरिया फाइनल होगा एड एस, जो इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है, वे 2 अल्फा को हमने बीटा से रिप्लेस किया था। वही अगर हम क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करें, इसमें हमने बात की थी जो वी फाइनल होगा वो इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, और 3 अल्फा को हमने गामा से रिप्लेस किया था। तो ये हमने बात कर लिया था एक बेसिक, इस पर एक छोटी सी न्यूमेरिकल भी हमने की थी। तो आज जो हम अभी बात करने वाले हैं, इसकी कुछ एक्स्ट्रा यानी एक्सपेंशन में, जैसे एक टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ बाउंडेड लेंथ, कैविटी। बाउंडेड लेंथ और कैविटी के एक्सपेंशन की अगर बात करें, जैसे मान लो आपके पास एक रिंग दिया हुआ है, मान लो ये एल्युमिनियम का वायर है, उसकी रिंग है जिसकी रेडियस हमने दे रखी है आर, और इस रिंग पर किसी भी दो पॉइंट्स हमने लिए ए एंड बी। इन दो पॉइंट्स की जो लेंथ है हमने मानी एल। अगर इस लिंग की अगर टेम्परेचर, इस रिंग की टेम्परेचर अगर इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, हमने इस रिंग की टेम्परेचर जो है टी से, डेल्टा टी से इंक्रीज कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि टेम्परेचर देने से इस रिंग जो है एक्सपेंड करेगा। जब रिंग में एक्सपेंशन आएगी तो ये जो दो पॉइंट्स के बीच जो लेंथ दिख रहा है ये बाउंडेड लेंथ है। अब ये लेंथ भी इंक्रीज करेगा भाई, मान लो कुछ टेम्परेचर देने से इसमें इंक्रीमेंट आई, ये जो लेंथ हो गया अब ए डैश बी डैश। अब ये ए डैश बी डैश जिसको हम एल डैश बोलेंगे, उस लेंथ में कितनी इंक्रीमेंट होगी या फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? तो कुछ नहीं करना है, सीधा से इसका बाउंडेड लेंथ के केस में भी इसमें जो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा वो लीनियर एक्सपेंशन होगा। यानी हम बोल सकते हैं अगर रेडियस की बात करें, भाई रेडियस भी तो इसकी बढ़ जाएगी, अब इसकी रेडियस आर डेस हो गई। तो रेडियस की बात करें तो आर डेस जो होगा फाइनल रेडियस वो इनिशियल रेडियस इंटू 1 प्लस अल्फा, और जिस मटेरियल का मान लो एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम डेल्टा टी से हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। तो जो लीनियर एक्सपेंशन में हम फॉर्मूला लगाते हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई करके सीधे इसकी रेडियस में कितनी एक्सपेंशन होगी वो निकाल सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम इसकी जो बाउंडेड लेंथ ए बी था, अगर वो ए बी एल के बराबर था, अगर टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ाया तो ए डैश बी डैश हो गया जिसको हमने एल डैश बोला। तो सिंपली एल डैश में भी जो इंक्रीमेंट होगी वो इनिशियल लेंथ ए बी यानी एल इंटू 1 प्लस अल्फा फोर एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो हम अल्फा यूज करेंगे वो भी एल्यूमिनियम का ही यूज करेंगे, अल्फा फोर एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी। अगर एरिया में बात करें तो आपको पता है कि रिंग की जो एरिया होती है, एरिया ऑफ रिंग, फाइनली उसके एरिया में कितनी इंक्रीमेंट होगी, तो एरिया ऑफ रिंग आपको पता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इसके एरिया मान लो ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर है, जब टेम्परेचर को डेल्टा टी से इंक्रीज कर दे, एरिया हो गया आपका ए डैश, उसको हम पाई आर डैश का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब मुझे पता है कि ए डैश इक्वल्स टू पाई इंटू आर डैश क्या है, तो आर इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी है, उसका स्क्वायर कर देंगे हम। यानी सिंपली जो हम पहले जो कर रहे थे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में बोलेंगे कि ए डैश इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारी इनिशियल एरिया थी, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से 2 हम अंदर लेके आए, तो 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, एंड फाइनली ए डस विल बी ए इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी।
किसके लिए लेंगे हम? एल्यूमिनियम के लिए, जो भी मटेरियल रहेगा उसके लिए हम यूज कर लेंगे। इसमें एरिया की एक्सपेंशन होगी। ये हुई बाउंडेड लेंथ की एक्सपेंशन। जैसे इन द सेम में अगर बाउंडेड लेंथ की और हम बात करें, तो मान लो एक हमारे पास डिस्क है जिसकी रेडियस वही आर है, और इसमें डिस्क की किसी दो पॉइंट, अगर हम ए बी दो पॉइंट लेते हैं, इसकी लेंथ अगर एल दिया हुआ है, अगर डिस्क जो है डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने से डिस्क में भी अगर इंक्रीमेंट होती है, अब इसकी रेडियस हो जाएगी वही आर डैश। तो स्वाभाविक सी बात है कि आर डैश तो उसी तरह लिनियरली बढ़ेगा, यानी आर इंटू वन प्लस अल्फा फॉर डिस्क इंटू डेल्टा टी। वही एल में भी वही होगा, एल डैश इक्वल्स टू एल इंटू वन प्लस अल्फा फॉर डिस्क इंटू डेल्टा टी। तो अगर कहीं भी लेंथ की बात करें, चाहे वो डिस्क में हो या बाउंडेड लेंथ जो है किसी रिंग में हो, तो बाउंडेड लेंथ में इंक्रीमेंट जो है एज ए लीनियर एक्सपेंशन होता है, उसके रेडियस में भी एज ए लीनियर एक्सपेंशन होता है। वही इसकी अगर हम एरिया की बात करेंगे, तो एरिया जो हो जाएगा आपका ए इंटू वन प्लस बीटा फॉर डिस्क इंटू डेल्टा टी। तो एक्सपेंशन बहुत आसान है, चाहे वो बाउंडेड लेंथ हो या फिर सिंपल एक रॉड हो, एक्सपेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कैविटी वाला जो केस है, हमने अभी देखा कि बाउंडेड कैविटी क्या होता है। बाउंडेड कैविटी, तो बाउंडेड कैविटी मान लो कि आपके पास एक डिस्क ही ले लो, फिर से एक डिस्क ले लिए हमने जिसकी रेडियस हमने माना आर है। ठीक है, इसमें एक छोटी सी एक होल, हमने एक डिस्क जो है छोटा सा एक डिस्क काट के निकाल लिया जिसकी रेडियस हमने माना स्मॉल आर है। एक छोटा सा डिस्क इसमें से काट के निकाले, तो वहां एक छोटा सा होल बन गया, कैविटी बन गई। अब इसकी अगर हम देखेंगे कि एक्सपेंशन अगर हम टेम्परेचर को अगर हम डेल्टा टी से इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को अगर डेल्टा टी से इंक्रीज करते हैं, तो स्वाभाविक से बात है कि इस डिस्क की एरिया जो एक्सपेंड करेगा, जब एरिया एक्सपेंड करेगा इन द सेंस की रेडियस एक्सपेंड करेगा कैसे, तो रेडियस एक्सपेंशन हो रही है। तो रेडियस में अगर पूरे डिस्क की एक्सपेंशन देखेंगे, रेडियस की एक्सपेंशन, तो वही हो जाएगा आर इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब अल्फा क्या, उस मटेरियल को लेंगे जिस मटेरियल से डिस्क बना हुआ है, यानी ये पूरा डिस्क है हमारा, इसमें से इतना कैविटी काट के निकाल लिया है। अब देखेंगे कि ये डिस्क जो है अगर फैलेगा, स्वाभाविक सी बात है अगर डिस्क एक्सपेंड करेगा, उसमें का जो कैविटी है वो भी एक्सपेंड करेगा। अब कैविटी में एक्सपेंशन भी वही होगी, अगर कैविटी की रेडियस आर है, एक्सपेंड करके वो आर डैश हो गया, तो उसकी भी एक्सपेंशन हुई है आर इंटू वन प्लस अल्फा फॉर डिस्क इंटू डेल्टा टी। सेम अगर स्फीयर ले लेते हैं हम, अगर इसके एरिया की बात करें, तो वही हो जाएगा ए डैश इक्वल्स टू ए इंटू वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। किसके लिए लेंगे हम? वो डिस्क जिस मटेरियल का बना हुआ उस मटेरियल के लिए। तो एरियल एक्सपेंशन इस कैविटी का भी होगा, तो उस कैविटी की शुरू में एरिया मान लेते हैं ए है, जो कि पाई स्मॉल आर का स्क्वायर है, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो अब ए डैश जो हो जाएगा वो ए इंटू वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। बीटा लेंगे हम डिस्क वाला, ये बाउंडेड कैविटी होगा। सेम अगर हम कैविटी की बात करेंगे, अगर एक स्फीयर है, मान लें हमें मान लो एक स्फीयर, एक स्फीयर माना, उस स्फीयर की रेडियस जो है आपको दी हुई है कि आर है, उसमें से छोटा सा खोखला स्फीयर काट के निकाल लिया जिसकी रेडियस स्मॉल है। तो रेडियस में तो कोई फर्क नहीं है, वॉल्यूम की बात करें इसकी स्मॉलर, अभी इसकी वॉल्यूम वी है, बाद में इसकी जो कैविटी की वॉल्यूम ऑफ कैविटी अगर बात करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ कैविटी जिसमें हमने काट के निकाला उसको मान लिया वी सी, हमने वी सी माना। अब वो देखेंगे वी सी में एक्सपेंशन, तो जो वी सी है वी सी डैश बन जाएगा आफ्टर टेम्परेचर को अगर हम डेल्टा टी से अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, तो ये पूरा वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो बीच में जो खाली जगह कैविटी हमने काट के निकाला वो कैविटी भी एक्सपेंड करेगा। जब कैविटी में एक्सपेंशन होगी तो वी सी वी सी डैश बन जाएगा, और उसमें सिर्फ वही कहने लगे वी सी इंटू वन प्लस गामा फॉर स्फीयर इंटू डेल्टा टी। यानी कहानी बिल्कुल सेम है, इसमें कहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से बनेगा। मतलब हर जगह जिस तरह मान लो रेडियस है तो लेंथ होता है, तो लेंथ जैसे एक्सपेंशन करेंगे, एरिया है तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन करेंगे, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम एरिया क्यूबिकल एक्सपेंशन करेंगे। अगर हम बात करें उस कैविटी की, खाली जगह बोलो सर ये एक्सपेंड करेगा, तो कैविटी में एक्सपेंशन, कैविटी तो खाली जगह कुछ नहीं है भाई, एक्सपेंशन हो रहा है ड्यू टू द मटेरियल ऑफ डिस्क या रिंग या फिर स्फीयर। उस रिंग और स्फीयर में जितना एक्सपेंशन होगा उसके अनुसार जो इस कैविटी का भी एक्सपेंशन होगा। तो कैविटी में एज अ सेम हम लगा सकते हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कि
सिंपल पेंडुलम वाला केस अगर लेते हैं हम, सिंपल पेंडुलम जो हमारे पास ये देखिए, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये बॉब है। अगर ये पेंडुलम की लेंथ जो है एल है, अब पेंडुलम का काम है ये स्विंग कर रहा है एट टेम्परेचर टी। जनरल जो है, जनरली टाइम पीरियड जो होगा ऑफ सिंपल पेंडुलम वो 2 सेकेंड होता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि सिंपल पेंडुलम में जो रॉड लगा हुआ है, एक मेटालिक वायर होता है, मेटालिक वायर। अब ये मेटालिक वायर जो है टेम्परेचर के साथ लिनियरली एक्सपेंड करेगा, और ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई रूट अंडर L/G होता है, 2 पाई रूट अंडर L/G। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने से अगर ये L में इफेक्ट आता है, अगर L एक्सपेंड करेगा या टेम्परेचर घटने से L जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि टाइम पीरियड में भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि G कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, तो L पे तो डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड पे पड़ेगा। और लिनियरली एक्सपेंशन होगा, यानी अगर हम इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई डेल्टा टी, तो स्वाभाविक सी बात है कि लेंथ पर इंक्रीज करेगा, यानी लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा, L इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसकी वजह से जो न्यू टाइम पीरियड टी डेस बनेगा वो आपका हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर L/G। अब क्योंकि L डैश में इंक्रीमेंट आ चुकी है, तो इस केस में जो नया टाइम पीरियड हमारा आया टी डैश इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर L/G को बोलेंगे L इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये अल्फा क्या है भाई, उसकी लिनियर एक्सपेंशन कॉफिशियंट है, जिस मटेरियल से या जिस मेटल से वो वायर बना हुआ है, किसका, सिंपल पेंडुलम का वायर। नीचे क्या हो गया आपका जी, तो टी डेस इक्वल्स टू वी कैन राइट या 2 पाई रूट अंडर L/G, एंड अलग फिर सकते हैं रूट अंडर L/G इंटू रूट अंडर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। हमें ये दिख रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है वो तो पहले वाली टाइम पीरियड है, यानी पुरानी वाले टाइम पीरियड, इसको हम टी बोलेंगे, यानी टी इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का पावर जो आ गया 1/2 रूट के ऊपर 1/2 होता है। फिर से हम लीनियर एक्सपेंशन लगाएंगे, यानी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, और 1/2 वर्क्स एज अ कोफिशिएंट, तो टी डैश विल बी टी इंटू 1 प्लस 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। इस तरीके से हमारा नया टाइम पीरियड बन गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब इन समर सीजन L/G विल बी ग्रेटर देन L, यानी गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जिसकी फाइनल लेंथ है वो इनिशियल लेंथ से ज्यादा हो जाएगी, और फाइनल लेंथ जब इनिशियल लेंथ से ज्यादा हो जाएगा, उस केस में बोलेंगे कि टाइम पीरियड जो है वो टी डैश जो है वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ओरिजिनल टाइम पीरियड टी से। इस केस में जो वॉच बना हुआ है, सिंपल पेंडुलम को यूज करके जो वॉच बनाए हम, बिकम्स स्लो। अब सोचिए कि 2 सेकेंड पूरा करने में, पहले एक पूरा ऑसिलेशन पूरा करने में उसको 2 सेकेंड लगता था, अब 2 सेकेंड से ज्यादा लग रहे हैं, 2 सेकेंड से ज्यादा लग रहे हैं, तो टाइम तो दिखा देगा 2 सेकेंड, टाइम जो है उस पर दिखाएगा 2 सेकेंड, लेकिन वो समय ज्यादा ले रहा है, तो घड़ी जो है वो स्लो हो जाएगी, तो टाइम पीरियड जो है वो वॉच की जो वॉच जो है स्लो हो जाएगा। वही अगर टी डैश जो है स्मॉलर देन टी बनेगा, तो वॉच जो है वो फास्टर करेगा, उन्हें फास्ट दिखाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक टाइम पीरियड 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और अल्फा इंटू 1/2 है, तो यहाँ पे हम 1/2 का जो कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। इस पर नेक्स्ट क्लास में हम एक
क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, इस पर देखेंगे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जिसकी भी कुछ छूटी हुई है प्रॉब्लम या जो इसका जो सीरीज चल रहा है थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन का एक टॉपिक और बचा हुआ है जो हम ओवरलैपिंग जो है ओवरफ्लो लिक्विड में, जैसे एक कंटेनर में एक लिक्विड रखा हुआ है, दोनों के अलग अलग कॉफिशियंट होते हैं वॉल्यूमेरिक रेट्स। जिस मेटल में वो रखा हुआ है वो कम एक्सपेंड करता है, लिक्विड जो है ज्यादा एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो बाहर आने लगता है कंटेनर से। तो हम ये देखेंगे कि एक्स्ट्रा जो है कितना ओवरफ्लो लिक्विड बाहर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो लिक्विड ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे जो नीट और जेई के लिए बहुत जरूरी है। तब तक के लिए मैं आज इसके ऊपर जो है अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, न्यूमेरिकल भी लेकर आऊंगा, ताकि उसको आप देखते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।